हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक और नई रेसिपी को लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, वो है नान खटाई। एक कप गेहूं के आटे से नान खटाई, ठीक है, यमी यमी टेस्टी टेस्टी। बच्चों के लिए बनाइए और खूब पेट भर के खिलाइए, कोई भी नुकसान नहीं करेगी। देसी घी से बनाइए, अपने घर में देसी घी निकालिए उससे बनाइए, तो बच्चे बहुत मन से खाते हैं, जो कि सॉफ्ट रहती हैं दोस्तों। तो बच्चों को इस तरह से आप बना के घर में रख सकते हैं, टिफिन में भी रख सकते हैं। इधर मैंने ले लिया एक बॉल, इसमें क्या करेंगे हम, आधा कप शुगर पाउडर, आधा कप ले लिया है देसी घी। आप बटर भी ले सकते हैं, जो कि देसी घी हमने फ्रिज में रख दिया था, मेल्टेड फॉर्म में नहीं लेना है दोस्तों हमको। घी को इसी तरह से जमा होगा, इसी तरह से लेना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हाफ कप चीनी, हाफ कप घी, या घी की जगह बटर ले सकते हैं। अनसॉल्टेड लीजिएगा दोस्तों। दोनों चीजों को अच्छे से आप मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, घी हो गया लेवल में हमारा, अब दोनों चीजों को मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और घी अगर कम लगे बाद में, जब डो हमारा तैयार होता है, तो आप 1 से 2 चम्मच अपना जिस तरह से डो बनाते रहेंगे, बाइंड हो जाए उस हिसाब से घी अगर 1 से 2 चम्मच कम होता है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। और घी ज़्यादा हो जाए तो आप आटा भी मिला सकते हैं, ऐसा नहीं कि आटा नहीं मिला सकते हैं, गेहूं का आटा या थोड़ा सा बेसन डाल दीजिएगा, 2 चुटकी या 1 टीस्पून डाल लीजिएगा बेसन, जो भी आप क्वांटिटी अच्छी टेस्टी चाहते हो। आप टेस्ट में थोड़ा सा सूजी भी आप डाल सकते हैं इसमें, हाफ कप सूजी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस समय कुछ नहीं डालूंगी इसमें, चीनी और खाली देसी घी दोनों चीज़ों को मिला के फिर आपको आगे बताती हूँ क्या करना है दोस्तों। अगर इलेक्ट्रिक बीटर आपके पास हो तो आप उससे भी कर सकते हैं बीट इसको, लेकिन मेरे पास हैंड बीटर था, जो ये मैंने हाथ से जो विस्कर से विस्क किया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक बीटर मेरे पास है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी उसको यूज़ करना, मैं आप लोगों को इसी तरह से दिखाना चाहती थी। देखिए, इसमें टाइम लगता है दोस्तों, धीरे से फेंट लीजिएगा, स्पून से भी आप कर सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ लोग दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आगे आगे वीडियो जैसे भी आती रहेंगी, आप लोगों को वीडियो आती रहेंगी तो आप लोगों के मोबाइल पे भी आ जाएंगी, इसीलिए आप बेल आइकन की बटन प्रेस जरूर किया करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। लाइक करना बहुत जरूरी है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ये देखिए, ये क्रीमी फॉर्म में आ गया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1 कप आटा ले लेंगे, गेहूं का आटा है, हमने छान लिया था छलनी से पहले ही, छान के रखा था। इधर बेसन है आधा कप, हाफ कप बेसन है, ठीक है, याद रखिएगा, हाफ कप चीनी ली थी, हाफ कप घी है, हाफ कप बेसन है, लेकिन गेहूं का आटा जो है वो 1 कप हमने लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं हाफ कप है। अब इन सब चीजों को अभी मिलाएंगे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट तो कोई आना चाहिए ना हम लोगों के पास बिस्किट में, तो हम क्या करेंगे, इलायची 1 टीस्पून इलायची ले लेंगे, ठीक है। लेकिन इलायची को छान लेंगे, क्योंकि मैंने शुगर के साथ चीनी के साथ, चीनी के कुछ दाने और इलायची साबित पीस ली थी मिक्सी के जार में, तो उसको छानेंगे नहीं तो, नहीं तो उसके रेशे ना मुंह में आते हैं, फिर वो बिस्किट में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। इसको छान लेंगे, देखिए देखिए कितने सारे इसमें छिलके इसके जो होते हैं इलायची की, वो निकल आए हैं। सो इनको क्या करेंगे, हम साइड में उठा के रख देंगे, ठीक है। वो चाय में आप यूज़ कर सकते हैं, चाय पत्ती में डाल दीजिएगा ताकि चाय में डल जाए, उनको डिस्कार्ड मत कीजिएगा, उसमें बहुत खुशबू होती है दोस्तों। इसको धीरे धीरे मिला लेंगे हम लोग, ठीक है, अच्छे से धीरे धीरे मिला लेंगे। सॉफ्ट सॉफ्ट डो लगाना है, टाइट हाथों से नहीं मिलाना है, जैसे आटा गूंथते इस तरह से नहीं मिलाना है दोस्तों। आपको घी अगर लगता है, इसमें पानी और दूध कुछ नहीं डालना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूध और पानी नहीं डालना है दोस्तों। बिस्किट हमारे तभी बनेंगे अच्छे जब हम इनको घी में इस तरह से मिला के बनाएंगे। अगर घी आपको कम लगता है तो आप 2 चम्मच घी डाल लीजिए, 1 चम्मच, जैसे भी आपको कम लगता है ना।
अभी देखिए थोड़ा सा घी कम लग रहा है मुझे, तो मैं अभी डालूंगी 2 चम्मच। पहले मिला लेते हैं इसको अच्छे से, क्योंकि शुगर में मॉइस्चर छोड़ता है ना, तो मीठे की वजह से। देखिए अगर हम जितना इतना इसको मिलाएंगे उतना उतना ये डो बनता जाएगा धीरे धीरे। देखिए इस तरह से बन गया है अभी। अब फिर मुझे कम लग रहा था तो मैंने क्या किया है, 2 चम्मच घी ले लिया है दोस्तों, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। 1 चम्मच है, 2 चम्मच है, जो भी है आप डाल दीजिएगा इसमें। मैंने 1 चम्मच और डाला था दोस्तों, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया वीडियो में, कैमरा बंद हो गया था, तो इस वजह से 1 ही चम्मच आया है, लेकिन मैंने डाला 2 चम्मच था बाद में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस तरह से बाइंड हो जाए, बिल्कुल आटा जैसे गूंथे इस तरह से हो जाएगा, लेकिन बहुत सॉफ्ट हाथों में करना। अगर नहीं बाइंड हो रहा है तो आप ऐसे ही इसको बना सकते हैं, मैं आपको बना के दिखाऊंगी अभी दोस्तों। ये देखिए इस तरह से बस मॉइस्चर आ गया है, अच्छे से ही सॉफ्ट हो गया है। किसी भी फॉर्म में आप बना सकते हैं, स्क्वायर में, राउंड शेप में, या रेक्टेंगल शेप में, जो भी आप, ट्रायंगल शेप में, जैसे बच्चे पसंद करें। ठीक है, इमोजी कोई भी, जैसे बच्चों को पसंद होती है ना, बहुत सारी इमोजीज होती हैं जो फेस के उसमें, किसी भी टाइप में आप बना सकते हैं दोस्तों, जैसे बच्चों को पसंद हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चों को नहीं अच्छी लगती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों को देख के अच्छी लगती हैं, वो देख के ही पसंद करते हैं। सो आप इस तरह से बिस्किट बनाइए, बच्चों को खिलाइए, इंजॉय कीजिए। बहुत यम्मी बने थे दोस्तों, बहुत मैंने पहली ही बार बनाए हैं, पहले बना चुकी हूँ, लेकिन वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने शेयर पहली बार किए थे, पहले मैं बना चुकी हूँ, बस वो घर में बना के देखे थे किस तरह से बनेंगे, लेकिन अच्छे बने तो मुझे भी ठीक लगा, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और जो भी मैं बनाती हूँ दोस्तों, जैसा भी बनता है मुझसे, मैं सारी वीडियो आपके साथ करती हूँ शेयर, मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ वीडियो आप फुल वॉच कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से, कोई भी एक स्पून आप ले सकते हैं, इसी शेप में सारे बिस्किट बना लेंगे, ताकि एक शेप में हमारे बिस्किट बने। ठीक है, स्क्वायर बनाना चाहे तो स्क्वायर भी बना सकते हैं, अभी मैं दिखाऊंगी, स्क्वायर भी मैंने बनाए हैं दोस्तों। देखिए मैंने करीब 5 से 6 बिस्किट एक प्लेट या ट्रे जो भी आपके पास हो, उसको पहले घी से ग्रीस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि वो नीचे उसके जो बेस होगा वो चिपके ना, बिस्किट हमारे चिपके ना। खैर चिपकेंगे तो नहीं क्योंकि घी पड़ा है इसमें, लेकिन फिर भी आप एक बार थोड़ा सा हल्का सा घी इस पर लगा लीजिएगा, उसको ग्रीस कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से शेप आप बना लीजिए, बड़े भी बना सकते हैं दोस्तों, छोटे भी बना सकते हैं, बिस्किट के जैसे शेप आप बनाना पसंद करें वैसे बना सकते हैं। इसमें इमोजीज हैं, बच्चों के फेस की इमोजीज होती हैं, जो इमोजी जो चली है, इमोजी होती है ना, तो वही फेस की आप कोई छोटी सी कोई भी तीली ले लीजिए उससे बना लीजिए, या कोई टूथपिक ले लीजिए उससे डिज़ाइन बना लीजिए फेस बच्चों के लिए, जो बच्चों को अच्छा लगे खाने में। आप इन बिस्किट के ऊपर चॉकलेट भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने इलायची पाउडर डाला है और सिंपल बना के दिखाए हैं, तो आप कोई भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो वैसे तो इसमें ड्राई फ्रूट ही अच्छे लगेंगे, लेकिन बच्चे नहीं कभी कभी खाते हैं ना, किसी किसी बच्चे नहीं खाते, तो आप ऐसे भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम दूध की लेयर लगा देंगे, ब्रश से लगाइएगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी डिज़ाइन इसमें बनाते हैं, ताकि बिल्कुल बिस्किट की तरह, जैसे बिस्किट बेकरी में बिस्किट हम लेने जाते हैं ना, उसमें क्रैक्स होते हैं ना छोटे छोटे, तो इस तरह से जब ये फूलेंगे ना, तो इनमें हल्के से क्रैक्स आ जाते हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं देखने में दोस्तों। तो बिस्किट अगर बना रहे हैं तो फिर बिस्किट का भी तो आना चाहिए ना, लुक बिस्किट का आना चाहिए ना, तो इस तरह से हम बना लेंगे इसको। देखिए कट लगा लेंगे, हल्का हल्का लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है, ताकि हल्की सी जब ये फूले और फूल के क्रैक हो जाए बीच में, तो अच्छा लगता है, हल्का सा क्रैक आता है बिस्किट में, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए अब इसमें हम दूध लगा देंगे जो हमने लिया है, मिल्क वॉश लगा देंगे इसमें, ऐसे करके बिस्किट को नहला देंगे।
नहीं दोस्तों, नहलाना नहीं है, बस हल्का हल्का वॉश करना है, ब्रश से हल्का हल्का लगाना है, थोड़ा थोड़ा ब्रश लगाना है। ये देखिए, ठीक है, बिस्किट हमारे अच्छे से कोट हो गए हैं। ठीक है, अब दूध को साइड में रख देंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास हो, ये हल्का सा ट्रे प्लेट में क्या होगा, दूध की बूंद गिर गई है ना, तो जब हम बेक करेंगे ना इनको, तो वो स्मेल आने लगेगी दूध जलने की, इसलिए मैंने इसको नैपकिन से साफ कर दिया। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्लेट ट्रे कोई भी कुछ भी हो, नॉन स्टिक हो तो और भी अच्छा है, मेरे पास भी है, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए खाली प्लेट में लगा के ग्रीस करके दिखाया, ताकि आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ तो माइक्रोवेव में बनाए थे दोस्तों, ये गोल वाले जो मैंने हैं वो आपको गैस पे दिखाए थे मैंने, कुछ बेक मैंने जो स्क्वायर पीसेस में बनाऊंगी मैं आगे, वो मैंने माइक्रोवेव में बनाए थे। तो देखिए, मैंने अच्छे से गार्निश कर दिया इसको ड्राई फ्रूट से। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए बनने के बाद और टेस्टी और अच्छे लगते हैं देखने में, जितने खाने में टेस्टी थे उतने ही देखने में सुंदर लग रहे थे दोस्तों। बहुत छोटे छोटे बनाए थे और ये फूल के इतने इतने बड़े हो गए थे। इसको ढक देंगे हम, ऐसे कवर कीजिएगा तो बिल्कुल भी इसकी वो ना निकले। ठीक है, 20 मिनट के लिए, 20 या आधे घंटे के लिए आप रख दीजिएगा, आधे घंटे के लिए, फिर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ऊपर से कलर हल्का हल्का आ जाएगा, हल्का गोल्डन, बिल्कुल लाइट गोल्डन है ना, बहुत ज़्यादा उसको ना, ये नहीं कि छोड़ दीजिए एक घंटे के लिए कि अरे बिस्किट है तो बन रहा है, टाइम लगेगा, नहीं नहीं दोस्तों, जलने के भी चांसेस होते हैं, तो फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, 30 से 35 मिनट के लिए आप पहले इसको बेक होने दीजिएगा, फिर आप देख लीजिएगा। ये जो मैंने स्क्वायर पीसेस के बनाए हैं दोस्तों, इस तरह से बनाने हैं, शेप देखिए मैंने दिखाई थी आपको, बस कोई भी शेप आप दे सकते हैं। ठीक है, इसको भी मिल्क वॉश करेंगे ऊपर से एक ब्रश से। ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से बनाए थे ड्राई फ्रूट, मैंने बादाम कट कर दिए थे लंबे 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 पीसेस से, और माइक्रोवेव से बेक किए हैं इसको। ये भी अच्छे बने थे दोस्तों, जल्दी बन गए थे, गैस पे थोड़ा समय लगता है। देखिए ये भी अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ दोस्तों। सो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, फुल वॉच कीजिएगा, अगर मेरे बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे जो मैं वीडियो लाऊंगी वो भी वॉच कीजिएगा दोस्तों, बताइएगा अगर आप लोगों को कोई और रेसिपी चाहिए तो। मैं कोशिश करती हूँ, मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये वाले साइड में रखेंगे, अब हम इनको क्या करेंगे, एक प्लेट में लगा लेंगे ताकि आप लोग को दिखा सकें। ठीक है, इस तरह से इंजॉय कीजिए, घर में बच्चों बड़ों सबको खिला सकते हैं यम यमी बिस्किट। कोई गेस्ट आता है तो आप ऐसे बना के रख लीजिए, और आराम से गेहूं के आटे के, कोई भी नुकसान नहीं करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसे सारी प्लेट में लगा लेंगे, आप स्टोर करके किसी भी, ठंडे हो जाए, अभी हल्के से हल्का सा गर्म था तो मैंने रख दिया है, क्योंकि ठंडे होने के बाद ही स्टोर करके आप रखिएगा इनको इस तरह से। देखिए दोस्तों, ओके दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, आगे मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय दोस्तों।